बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन बने। क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ा पद कोई नहीं माना जाता है। इस पद को मिले उन्हें अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो पिछले 17 सालों में कोई नहीं कर सका। दरअसल क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही एफ्रो एशिया कप की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए आईसीसी ने बातचीत शुरू कर दी है और अगर ऐसा हुआ तो क्रिकेट में एक अविश्वसनीय नजारा देखने को मिल सकता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी एक ही टीम में खेलते नजर आ सकते हैं। एफ्रो एशिया कप की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसके 3 एडिशन खेले जाने थे लेकिन 2007 में दूसरे एडिशन के बाद में ब्रॉडकास्टर्स की समस्या के कारण इसे बंद करना पड़ा था। दूसरे एडिशन की मेजबानी भारत ने की थी लेकिन अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। इससे पहले वो बीसीसीआई सचिव होने के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड थे। अब एसीसी में जय शाह का पद खाली हो चुका है। क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी एसीसी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके साथ ही एफ्रो एशिया कप की फिर से शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल पहले से ही लेकर इसको बातचीत लगातार जारी थी। पूरी दुनिया को पता था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। दोनों देश आईसीसी और एशिया कप के अलावा कोई और टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं। एक साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज दोनों टीम नहीं खेलती हैं आज की डेट में, आज के सिनेरियो में। ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ तो दूर एक ही टीम में खेलते हुए देखना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह इस नामुमकिन से काम को भी मुमकिन बनाने में पूरा लगे हुए हैं। हो सकता है मुमकिन बना भी दे। 2005 और 2007 में हुए इस टूर्नामेंट के हिसाब से बात करें तो दोनों द्वीप से एक एक टीम बनाई जाती है। एशिया के खिलाड़ी एक तरफ और अफ्रीका के खिलाड़ी दूसरी तरफ होते हैं और एशिया 11 और अफ्रीका 11 की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए देख सकते हैं। बोत्सवाना क्रिकेट के हेड और आईसीसी में एसोसिएट टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सुमोध दामोदर ने खुलासा किया है कि एफ्रो एशिया कप फिर से शुरू करने की बात चल रही है। अगर एफ्रो एशिया कप शुरू होता है तो अंडर 19 और सीनियर टीम के मुकाबले कराए जा सकते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। फैंस को तो देखने में मजा आएगा ही आएगा, साथ ही उन क्रिकेट फैंस का भी सपना पूरा हो जाएगा जो बाबर आजम, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को, जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाफरीदी जैसे बड़े गेंदबाजों को एक साथ खेलते देखना चाहते हैं एक टीम में। बहरहाल इस वीडियो पर, इस पॉसिबिलिटी पर, दोनों टीमों की एक साथ खेलने के क्या आपकी राय है, क्या राय अभिप्राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स। नमस्कार।